सर फाइनली अब जाकर भाईजान के 100 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका, क्या कहना चाहिए? जी फाइनली 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज मार्केट वर्ल्ड वाइड को हटा दिया जाए पूरी तरीके से, और दूसरी लैंग्वेजेस भी जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, इनकी जो लैंग्वेजेस हैं अलग, बंगाली वगैरह सारी रीजन को छोड़ के सिर्फ हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी के अंदर फाइनली 100 करोड़ को पार कर दिया है फिल्म भाईजान ने। ऑडियंस को मज़ा आ गया फाइनली। देखिए कहीं ना कहीं बात की जाए फिल्म की तो सलमान खान का जो स्टाइल है उस लिहाज से उतनी स्पीड से फिल्म नहीं चली, लेकिन फाइनली 100 करोड़ पहुंच चुकी है। और ये 16वीं फिल्म, 16th फिल्म है, कंसेक्यूटिव लगातार 16वीं फिल्म है सलमान खान की जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ट्यूबलाइट फिल्म इतनी नहीं चली, जैसा कह देते ना कि ट्यूबलाइट को भी फ्लॉप या उसकी कैटेगरी में रख दिया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो भारत को भी उतना अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि भारत ने पहले दिन ही बहुत गजब कलेक्शन कर दिया था, बहुत तेजी से 150 करोड़ के आसपास भी पहुंच गई थी वो। और जहां तक बात की जाए अगली फिल्म उनकी, अगर एक और फिल्म देखें तो फिर वो ये जो फिल्म आई थी हाल ही में रेस 3 को भी लेकर क्रिटिसाइज किया था, और उसका भी कलेक्शन को लेकर क्रिटिसाइज करना तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन कलेक्शन को लेकर भी उसके कहा जाता है कि उतना अच्छा नहीं, लेकिन बावजूद उसकी सारी फिल्में 100 करोड़ पार होती रही हैं और 16th कंसेक्यूटिव फिल्म है लगातार, 16वीं फिल्म जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है, सलमान खान के लिए अलग ही लेवल है, मज़ा आ गया देख के ऑडियंस। हालांकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो ज़रूर है अंदर के फिल्म बेहतर होती भाईजान भी तो और मज़ा आता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी जब फिल्म को रिव्यू किया था आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने कहीं ना कहीं कहा ही था कि देखिए फराज शाम जी का पिछली फिल्मों के डायरेक्शन के मुकाबले थोड़ा बेहतर डायरेक्शन ज़रूर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब प्रिडिक्टेबल, अति प्रिडिक्टेबल फिल्म हो जाती है, क्योंकि आज के ज़माने में उतनी प्रिडिक्टेबल वैसी चीज़ नहीं चलती। सलमान खान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आप डिसएग्री कर सकते हैं इस बात से, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सलमान खान को फैमिली फिल्म बिल्कुल रखिए, फैमिली चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी बात है वाकई में, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और ये ओल्ड फैशन फिल्म है। अगर आप देखें तो ये फिल्में जो है ना सन 2005-06 में भी अच्छी चल जाती थी, या 2010 तक भी, 9 तक भी ठीक ठाक चल जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में 2023-24 के वक्त में अब इस तरह की फिल्मों को इतना पसंद नहीं करते दर्शक। आपको एक्शन स्टार और इनके स्टाइल में देखना चाहता है वैसी ही फिल्में करते हुए देखिए सलमान खान, आगे भी तो मजा आ जाए।